15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पूरे देशवासियों को, आर एक्सप्रेस के सभी सदस्यों को, नगर पालिका और मेरी समस्त रायबरेली को, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस आज जो हम लोग मना रहे हैं ये इतनी आसानी से नहीं मिला। इसके लिए हमारे बहुत से सैनिकों ने, हमारे वीर पुरुषों ने इसमें अपनी जान माल सबका नुकसान किया, तब जाकर बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से इन लोगों ने ये आज का दिन हम लोगों को देखने को मिला। इन लोगों की मेहनत की वजह से आज इन लोगों की शहीदों की वजह से 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि स्वतंत्रता दिवस का ये पूरे देशवासियों को गिफ्ट मिला, जिसकी वजह से हम सब लोग आज स्वतंत्रता दिवस का मना पा रहे हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस समय कोरोना जैसी महामारी की वजह से हम लोग उस खुशी को पूरे उत्सव से नहीं मना पाएंगे जिस तरीके से हमेशा मनाते आए हैं। काफ़ी हम लोग एकजुट होते थे, भीड़ भाड़ होती थी और एक साथ मिलकर झंडा रोहण करते थे, उस तरीके से अब नहीं हो पाएगा क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि इस समय कोरोना वैश्विक महामारी की इस समय बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है। तो सारी जनता से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग डिस्टेंसिंग बनाकर झंडा रोहण करें और जितना भी हो सके सारे रूल जो फॉलो करने हैं वो सब करें, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और गंदगी इधर उधर ना फेंकें जितना हो सके। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो भीड़ में बिल्कुल भी मत जाएं और अपने घर से ही बैठकर अपने पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दें और इसको घर में ही बैठकर मनाएं। जितना हो सके कोशिश करें कि हम लोग इस कोरोना जैसी महामारी को दूर कर सकें, जल्दी इससे निजात पा सकें। मैं अपने पूरे रायबरेली वासियों से यही निवेदन करूंगी, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। अगर हम सब साथ मिलकर इस बीमारी से लड़ने की कोशिश करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग इसको बहुत जल्द ही भगा पाएंगे और हम लोग पहले ही की तरह फिर से एक साथ मिलकर रह पाएंगे, एक साथ घूम पाएंगे, जहाँ जो मन किया, जैसे पहले बिंदास से हम लोग घूमते थे, मार्केट जब मन किया चले गए, जब मन किया जहाँ जो कार्य करने का किया। जैसे स्वतंत्रता के, हम लोगों को पता ही है कि स्वतंत्रता का मतलब यही होता है कि हम लोग जो चाहे वो कर सकें, जैसी चाहे वैसी पढ़ाई कर सकें, जैसा जी चाहे वैसे कार्य कर सकें, वैसे ही। लेकिन एक बात विशेष ध्यान देने की, हमारी स्वतंत्रता वहीं पर समाप्त भी होती है जहाँ से दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। हमें दूसरों को भी अहित नहीं करना है, बस हमारी स्वतंत्रता हमारे तक ही सीमित है, दूसरे की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ पर हमारी समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।